तो ये क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस ऑफ डीसी जनरेटर जो होता है, ये डिपेंड करता है कि जो वोल्टेज बिल्डअप होता है एक डीसी जनरेटर में, वो उसके फील्ड रेजिस्टेंस पे डिपेंड होता है जो कि पैरेलल में कनेक्टेड होता है। तो ये ग्राफ जो है, ये एक वोल्टेज बिल्डअप है एक डीसी जनरेटर का। तो इसमें जब फील्ड का रेजिस्टेंस जो है वो आर वन है, तो तब जो जनरेटर है वो ओ एम वोल्टेज बिल्डअप करेगा। ये जो ओ एम है, ये लाइन वाला, इतना वोल्टेज वो बिल्डअप करेगा। अभी हम लोग जब फील्ड का जो रेजिस्टेंस है उसको हम लोग आर टू पे इंक्रीज़ करेंगे, आर टू पे, तो क्या होगा कि जो जनरेटर है वो वोल्टेज बिल्डअप करेगा ओ एल। ये ओ एल वोल्टेज जो है वो ओ एम वोल्टेज से थोड़ा कम होगा। उसके बाद जब जो फील्ड सर्किट है उसको रेजिस्टेंस को अगर हम लोग और बढ़ाएंगे, जबकि ओ डी से आगे अगर हम लोग ले जाएंगे, अगर हम लोग ओ डी इसको रेजिस्टेंस रखेंगे, तो यहाँ ये ओ सी सी कर्व से ये बाहर आ जाएगा। द जनरेटर विल फेल टू एक्साइट। तो जनरेटर का जो रहेगा वो एक्साइटेशन करने से ही फेल हो जाएगा। सो नाउ द फील्ड सर्किट रेजिस्टेंस रिप्रेजेंटेड बाय लाइन ओ सी टेंजेंट टू ओ सी सी इज द क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस। वुड जस्ट एक्साइट इज नोन एज क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस। तो ये पॉइंट जो रहेगा जिसमें वो जनरेटर जस्ट एक्साइट करेगा, तो उसको बोलते हैं क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हम लोग सोच सकते हैं कि जो जब आर वन वोल्टेज था, तब आर वन रेजिस्टेंस था, तब वो वी वन वोल्टेज जनरेट कर रहा था, यानी कि ओ एम। फिर जब हम लोग रेजिस्टेंस को आर टू कर दिए थे, तो जैसा ये लिखा है कि फील्ड सर्किट इज इंक्रीज टू आर टू, तब जो वोल्टेज था वो और कम हो गया। एंड फिर जब और इंक्रीज़ करते हैं हम लोग रेजिस्टेंस को, सो द जनरेटर विल फेल टू एक्साइट, इसको बोलते हैं क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस। तो जनरेटर जो है वो बिल्डअप करेगा वोल्टेज ओनली इफ़ द फील्ड सर्किट रेजिस्टेंस इज़ लेस देन द सर्किट फील्ड रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज तभी बिल्डअप होगा जब जो रेजिस्टेंस होगा फील्ड का वो आर सी से कम होगा। यहाँ आर सी ग्रेटर पे आ गया है एंड आर टू वगैरह सब उसके नीचे जा रहा है। तो क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस जो है उससे रेजिस्टेंस का वैल्यू, आर एफ का वैल्यू कम होना चाहिए टू बिल्ड अप द वोल्टेज। अभी देखते हैं क्रिटिकल स्पीड। तो क्रिटिकल स्पीड जो होता है जनरेटर का, वो मिनिमम स्पीड होता है बिलो विच इट फेल्स टू एक्साइट। तो जो भी जनरेटर होता है उसको हम लोग को कुछ मैकेनिकल इनपुट देना पड़ता है एन का, तो ये वो स्पीड होता है एट बिलो विच द जनरेटर विल फेल टू एक्साइट। और ये वो स्पीड होता है जिसमें जो शंट फील्ड रेजिस्टेंस होता है वो रिप्रेजेंट करता है क्रिटिकल स्पीड को। एट विच द गिवन शंट फील्ड रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट्स द क्रिटिकल स्पीड, द कर्व इज शोन इन द रिलेशन ऑफ द स्पीड विद द क्रिटिकल रेजिस्टेंस। तो अभी क्रिटिकल स्पीड का अगर देखेंगे, क्रिटिकल स्पीड वो स्पीड होता है जिसमें शंट फील्ड रेजिस्टेंस जो रहेगा वो इक्वल टू क्रिटिकल रेजिस्टेंस हो जाएगा। और हम लोग को पता है कि क्रिटिकल रेजिस्टेंस से जब नीचे चला जाता है कुछ भी, तो मतलब क्रिटिकल रेजिस्टेंस से जब हम लोग बढ़ाने लग जाएंगे, तो क्या होगा कि जो वोल्टेज बिल्डअप है वो ख़त्म हो जाएगा मशीन में। तो क्रिटिकल स्पीड में क्या है कि अगर स्पीड ऑफ द मशीन है उसको रिड्यूस कर देते हैं टू अ सच वैल्यू दैट द फील्ड रेजिस्टेंस डू नॉट फील्ड रेजिस्टेंस लाइन डज नॉट पास थ्रू ओ सी सी। तो क्या होगा कि फील्ड रेजिस्टेंस का जो पाथ होगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा और वो ओ सी सी के पाथ से पास नहीं होगा, सो इट मे नॉट जनरेट द अप्रिशिएबल वोल्टेज। तो बेसिकली ये जो ओ सी सी का लाइन है उस पर वो आना चाहिए। तो बेसिकली इस स्पीड में क्या होता है कि जो फील्ड रेजिस्टेंस है वो फील्ड रेजिस्टेंस लाइन डू नॉट कट थ्रू ओ सी सी एंड हेंस द वोल्टेज डज नॉट बिल्ड अप, क्योंकि ये लाइन से बाहर आ जाएगा। तो डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिटिकल स्पीड अभी देखते हैं। सो फ्रॉम द अबव फिगर द कर्व, जो कर्व वन है उसको देखते हैं सबसे पहले। जो कर्व वन है एट अ पर्टिकुलर गिवन स्पीड, कर्व वन जो है एक स्पीड पे है एन पे है, तो ओ बी जो है ये इसका एक टेंजेंट है, टेंजेंट टू द लाइन ओ सी सी। और यहीं पे कहीं पे क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस हम लोग को मिलेगा इस ओ सी सी कर्व के लिए। सो
द ओपी इज़ ए लीनियर लाइन ड्रॉन। तो ओपी जो है वो लाइन ड्रॉ किया है जो कि टेंजेंट टू ओसीसी है। एंड हम लोग क्या करेंगे कि फील्ड करंट में एक लाइन ड्रॉ करेंगे एबी। तो यहाँ पे जो सबऑर्डिनेट्स रहेगा उससे हम लोगों को फील्ड रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो हम लोग को पता था कि ये जो कर्व वन है ये एन स्पीड पे है और जो कर्व टू है ये एन सी स्पीड पे है। तो क्या होगा कि ए सी बाई ए बी विल बी इक्वल टू एन सी, क्योंकि ए सी एन सी के स्पीड पे था एंड ए बी इज़ इक्वल टू द एन स्पीड। तो ये जो ए बी और ए सी था ये वोल्टेज का वैल्यू था एंड इससे हमको एन सी का वैल्यू मिल जाएगा। तो वही ये ग्राफ में भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो एन सी है क्रिटिकल स्पीड है। तो जो ये बी सी वोल्टेज रहेगा, अब हम लोग को क्रिटिकल स्पीड पहले से पता नहीं है, तो बी सी वोल्टेज जो रहेगा वो वोल्टेज होगा इज द वोल्टेज बिल्डअप इन द जनरेटर एट द क्रिटिकल स्पीड। तो यानी कि वोल्टेज जस्ट बिल्डअप होने लगेगा इन द जनरेटर और इसमें से जो एसी रहेगा वो होगा वोल्टेज इन द डीसी जनरेटर एट द फुल स्पीड। सो फ्रॉम द अबव इक्वेशन इट इज़ क्लियर दैट इफ द जनरेटर रन्स एट फुल स्पीड द न्यू ओसीसी मूव्स अपवर्ड एंड द आरएसएच लाइन रिप्रेजेंट्स अ न्यू क्रिटिकल रेजिस्टेंस। तो ये जो ओसीसी का लाइन है ये अलग अलग स्पीड पे आएगा एंड आरएसएच का वैल्यू उसी सबसे बढ़ता जाएगा। तो इससे क्लियरली समझ रहे हैं कि जो स्पीड है उसका वैल्यू क्रिटिकल रेजिस्टेंस पे डिपेंड है। तो जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस होगा एट ऑफ द फील्ड सर्किट एट अ गिवन स्पीड एट विच द जनरेटर जस्ट एक्साइट्स एंड स्टार्ट्स वोल्टेज बिल्डिंग वाइल बियॉन्ड द जनरेटर वैल्यू इट फेल्स टू एक्साइट। तो ये जो आर सी वो वैल्यू होगा जिसको अगर हम लोग और बढ़ाते जाएंगे तो वोल्टेज जो रहेगा वो कम होता जाएगा, पर इसको अगर हम लोग कम करेंगे तो वोल्टेज जो रहेगा वो बिल्डअप होता जाएगा। अभी देखते हैं डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल स्पीड। द स्पीड एट विच द गिवन फील्ड रेजिस्टेंस एक्ट्स एज अ क्रिटिकल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज क्रिटिकल स्पीड एंड द क्रिटिकल स्पीड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रिटिकल रेजिस्टेंस। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। अ डीसी जनरेटर हैज़ अ क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस ऑफ 400 ओम एट 1200 आरपीएम। तो सपोज ये 1200 आरपीएम है, इसमें इसका जो रेजिस्टेंस है वो है 400 ओम। अगर इसको हम लोग रेशियो लेंगे तो नाउ इफ द स्पीड ऑफ द जनरेटर इज इंक्रीज टू 1800 आरपीएम, अगर ये 1800 आरपीएम है तो इसका जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस है आरसी उसमें क्या चेंज आएगा। तो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले देखे थे कि जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस होता है वो क्रिटिकल स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है। सो यहाँ पर 1200 पर जब हम लोग को 400 ओम मिल रहा है तो 1800 पे हम लोगों को कितना रेजिस्टेंस मिलेगा ये हम लोग को निकालना है। तो यहाँ ये फार्मूला यूज़ करेंगे, आर सी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन सी। तो आर सी जो था वो सबसे पहले 400 था, हम लोग को दूसरा आर सी निकालना है। 400 ओम पे हम लोगों को 12000 आरपीएम था, अब 1800 पे कितना रहेगा। तो ऐसे सॉल्व करने से हम लोगों को आंसर मिलेगा 600 ओम।